होता है। आप अपने आप को बदल सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है तो। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सहारे की इस धरती पे जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला हो, आपके अंदर पावर है कुछ कर जाने की, तो इस धरती पे हर आदमी एक एकलव्य है। गुरु की जरूरत नहीं है। एकलव्य ऐसा आदमी था कि मूर्ति का पूजा कर कर और दुनिया का सबसे बड़ा धनुधारी बन गया। कोई जरूरी नहीं है रामायण पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है। अगर चलाना है तो राम की परिभाषा को चलाइए। राम ने जब बन गए तो श्री राम थे वो, लेकिन जब लंका से वापस अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसका रीजन यही था कि उन्होंने कभी बड़े लोगों का साथ नहीं लिया। उन्होंने सुग्रीव को अपनाया, शिवरी का झूठा बैर खाया, नल और नील को अपनाया। बाली बहुत बलशाली था। रावण को 6 महीने कांख में दाब कर और पूरे लंका को घुमा दिया था। 6 महीने तक कांख में दाब कर रावण को घुमाया था बाली। तो समस्या वो नहीं है। आप दलितों को लेकर चलिए, कमजोर वर्ग के लोगों को चलिए। हम करते क्या है, अगर एक ड्राइवर को मार्केट भेजना है तो उसको 25 बार समझाते हैं, यहां से राइट लेना, राइट से लेफ्ट लेना। उसके ऊपर छोड़कर तो देखिए, जिस दिन उसके ऊपर विश्वास करना सीखिएगा ना, आपका कर्ता धर्ता भी आप ही की तरह तेज हो जाएगा और फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है जब पत्थर, जब नल नील और सारे बानर समाज के लोग जब पत्थर फेंकते थे समुद्र में तो पत्थर तैरता था, तैरने लगता था, लेकिन जब राम जी एक पत्थर उठाकर समुद्र में फेंके तो वो पत्थर डूब गया। तो फिर राम जी ने हनुमान से पूछा कि हनुमान ये बताओ कि सब फेंक रहे हैं तो पत्थर ये तैर रहा है, लेकिन मैं फेंक रहा हूं तो ये डूब क्यों गया। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भगवान, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। ये तो पत्थर है, जिसको आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, तो वो क्यों नहीं डूब जाएगा। तो उन्होंने दलितों को लेकर चला, कमजोर वर्ग के लोगों को चले, इसलिए यहां से वो राम बनकर गए थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो ये होता है। तो जीवन में कमजोर वर्ग के लोगों को लेकर चलिएगा। किसी अमीर के घर पे जाइएगा ना तो पानी पिलाने में 1.5 घंटा लगता है भाई, वो पानी लाने में 1.5 घंटा लाएगा। लेकिन किसी गरीब के घर पे जाइएगा तो बासी रोटी ही लेकर आएगा, भैया 2 रोटी खा लीजिए, आप बहुत भूखे होंगे। तो ये होती है गरीबी। गरीबी में सिर्फ मोहब्बत मिलती है, गरीबी में सम्मान मिलता है, गरीबी में वो पावर है कि गरीब के घर पे जाने के बाद लगता है कि मैं अपने घर पे हूं, लेकिन अमीर के घर पर जाने के बाद लगता है कि किसी होटल में आ गया हूं मैं। ये होता है। तो गरीबों को लेकर चलिए, गरीबों को अनादर कभी मत करिए, उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आपके पास 10 रुपये बचते हैं तो किसी गरीब को खिला दीजिए, जीवन में वो 10 रुपया कभी आपको 10 करोड़ कमाएगा। इसीलिए मैं गरीबों का मदद करता हूं, हम दर्दों का हम दर्द बनता हूं, जिसको दर्द होता है उसका मरहम बन के उसके पट्टी बन जाता हूं और उसके जीवन में साथ चलता हूं। और हमेशा चलना सीखिए आप लोग अपने आप को। हमेशा जो आदमी लड़ता है वो क्रांतिकारी कहलाता है। हम एक नेता का झंडा लेकर अपने सर पे बांध लेते हैं कि ये हमारे जात का आदमी है। किसी दिन आप भी जिस दिन खुद का झंडा बनाकर खड़ा होइएगा ना, तो लड़ना है तो क्रांतिकारी बनके लड़िए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप कमाइएगा तो ही खाइएगा। आज चुनाव है, सब आदमी अपना अपना झंडा देकर आपको बुर्बक बना के कौन विकास करता है, कोई नहीं। जब आप कमाइएगा तभी ना खाइएगा जी। तो जब कमाइएगा तभी खाइएगा, तो हम किसी के पीछे भागेंगे क्यों? हम खुद का साम्राज्य खड़ा करेंगे, हमारा खुद का झंडा होगा। हम रहते अपने घर में है तो किसी दूसरे के लिए सर कटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, आपकी जीवन है, उसको संवारिए और उसको संवारने में लगाइए। जातिवाद मत करिए, किसी भी जात का आदमी हो इंसान तो है ना। तो ये हमेशा करिए, गरीबों का मदद करिए, किसी का बुरा मत चाहिए। रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के रूप में देखिएगा ना, तो शायद आपके भी बहन को कोई देखेगा तो आपके नजरिए के हिसाब से उसको भी देखेगा। तो रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के स्वरूप मानिए। हो सकता है जो किसी दिन वो बहन आपकी मान सम्मान को बचा ले। लव यू। एक हनुमान जी की बात है।